खबरें आपको विस्तार से बताएंगे और साप्ताहिक का जो सर्वे है उसको आपको हम बताने जा रहे हैं। मतदान की तारीख जैसे जैसे क्योंकि करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी घमासान हर राज्य में बढ़ता जा रहा है और एबीपी न्यूज लगातार आपको चुनाव की हर खबर सबसे पहले दिखा रहा है। सी वोटर के जरिए हम उन आंकड़ों को रोज आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस पार्टी के वोट शेयर में कितनी बढ़ोतरी हो रही है और इसका वोट शेयर गिर रहा है। तो देखिए इस हफ्ते उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी बढ़त मिली है। तो सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं डेटर सेंटर से, मेरी सहयोगी शीरीन हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही गोरखपुर से आप देख रहे हैं अजय दुबे, लखनऊ से रणवीर, मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर और पंकज झा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीएसडीएस की तरफ से अभय दुबे जी हमारे साथ होंगे और साथ ही सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले आंकड़ा जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शीरीन के पास और जानते हैं शीरीन के पिटारे से आज सबसे पहला आंकड़ा कहां का आने वाला है। शीरीन बिल्कुल रोमाना, देखिए आंकड़ों का पिटारा है मेरे पास, एक एक करके बताएंगे चुनावी राज्यों में आखिर जनता क्या सोच रही है। लेकिन आप सबसे पहले देखिए मैं कहां पर खड़ी हूं और ये उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल की ताजा तस्वीरें हैं। एक तरफ आप देखिए मेरे पीछे देख रही हैं गोरखनाथ मंदिर, योगी आदित्यनाथ पिछले शनिवार को ही गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं इस बात का ऐलान हुआ और ठीक एक हफ्ते बाद दूसरी तरफ मेरे देखिए ठीक एक हफ्ते बाद इस बात का ऐलान होता है कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे। और देखिए जो किला है ना ये उन्हीं की सीट यानी कि मैनपुरी के करहल से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मैनपुरी की पहचान बताता है ये किला, महाराजा तेज प्रताप सिंह का ये किला, यानी अपने गढ़ से उत्तर प्रदेश के किले को बचाने की कवायद कर रहे हैं और दोनों ही नेता पुरजोर तरीके से अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो फिलहाल चुनावी माहौल गर्म है। लेकिन आंकड़ों की बात अगर हम करें तो आंकड़े क्या कहते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, जनता लगातार हमारे सवालों के जवाब भी दे रही है, हम उनके बीच जाकर उनका मन टटोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अवध रीजन की, अवध रीजन क्योंकि 118 सीटों का सवाल है तो यूपी का चुनावी सर्वे इस रीजन में क्या कहता है आप जरा ये देख लीजिए जल्दी से। बीजेपी प्लस जो कि 44% वोट बीजेपी प्लस को जाता दिखाई दे रहा है, साप्ताहिक सर्वे ये कहता है कि एसपी प्लस को 31% यानी दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर बीएसपी दिखाई दे रही है, 9% वोट जाता दिखाई दे रहा है बीएसपी के खाते में और कांग्रेस की स्थिति 8% और अन्य 8%। तो यानी कि रोमाना देखिए 44% और 31% बीजेपी प्लस और एसपी प्लस, लेकिन बीजेपी प्लस ही बाजी मारती दिखाई दे रही है अवध रीजन में 44% वोट के साथ। बड़ी जानकारी यहां पर शीरीन दे रही हैं और जो आंकड़ा आपने देखा होगा उसमें 13% का फासला बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच नजर आ रहा है इस अवध रीजन में। 118 सीटों वाला यह अवध रीजन एक हफ्ते में सियासी तस्वीर कितनी बदली, बिल्कुल नहीं बदली। अवध रीजन का यह पूरा ब्यौरा आपके सामने है। 15 जनवरी को जिस तरीके से बीजेपी गठबंधन 44% पर था, आज की तारीख में भी 44% पर, समाजवादी पार्टी गठबंधन 31% पर था, आज की तारीख में भी 31% पर। पंकज झा 13% का ये गैप लगातार अवध बीजेपी का गढ़ बना हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, और ये सबसे बड़ी कमजोर कड़ी भी है एक तरीके से अखिलेश यादव के लिए। और आप देखिए कि बिल्कुल वहां पर जाकर वोट शेयर जो है वो अटका हुआ है, 13% का वोट शेयर पूर्वांचल और पश्चिम के मुकाबले में समाजवादी पार्टी यहाँ कमजोर है। और यही नहीं, उसके साथ कोई ऐसा अलायंस पार्टनर भी नहीं है जैसा पूर्वांचल में है या पश्चिम में आरएलडी है, ऐसा अवध क्षेत्र के लिए कोई अलायंस पार्टनर नहीं है, इसीलिए इतना बड़ा गैप इन दोनों गठबंधनों के बीच में बीजेपी और एसपी में दिख रहा है। क्योंकि अभी आंकड़े हमें और दिखाने हैं और इससे पहले मैं अगले रीजन के आंकड़ों के लिए शीरीन के पास चलूं, मुझे लगता है हमें जल्दी से जरा सीएसडीएस की प्रोफेसर अभय दुबे जी का रुख कर लेना चाहिए क्योंकि वो आंकड़ों की बाजीगरी को बेहतर समझते हैं। ऐसे में अवध के ये आंकड़े जहां पर बीजेपी मजबूती के साथ भारी बढ़त बनाए हुए हैं, इन्हें आप किस तरीके से देख रहे हैं अभय जी? देखिए रोमाना, 13% के अंतर के बाद तो चुनाव में कुछ रह नहीं जाता है। कोई भी अंदाज लगा सकता है कि इस चुनाव का हश्र क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अवध के इलाके में अगर 13% का फर्क रहा तो एक तरफा जीतेगी। यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का एक और सबब है कि सी वोटर ने अवध के इलाके की जब गणना की है तो उसके साथ में रोहिलखंड को भी जोड़ दिया है और रोहिलखंड में जो वोटों का बंटवारा है, जो डेमोग्राफी है वो बिल्कुल अलग तरह की डेमोग्राफी है। अगर उसके रोहिलखंड के बावजूद भी ये फासला 13% का है, इसका मतलब है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी का इस इलाके में सी वोटर के सर्वे के मुताबिक कोई भविष्य नहीं है।
तो सी वोटर के एडिटर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक जल्दी से छोटा सा रिएक्शन खालिद साहब का ले लेते हैं। तो सर, ये जिस तरीके से 13% का गैप है 2017 97 सीटें 118 में से, उसी दिशा में इस वक्त ये चुनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अवध में? इस इलाके में जो बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए जी, समाजवादी पार्टी के लिए देखिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में जो है कई सारे ओबीसी लीडर्स उन्होंने तोड़े थे, स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह। उसके बाद ये कहा माना जा रहा था कि शायद जो है समाजवादी पार्टी के ग्राफ में काफी उछाल आएगा, क्योंकि इस इलाके में जैसा कि अभी अभय दुबे जी ने कहा कि रोहिलखंड का इलाका और अवध इलाका, यहाँ पे सैनी या मौर्य वोटर्स ठीक ठाक तादाद में है, और स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि प्रतापगढ़ से आते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस भी माना जाता है कि इस इलाके में होगा। लेकिन बावजूद इसके भी कोई तब्दीली नहीं है समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में। बड़ी बात कर रहे हैं सर आप, बिल्कुल रोमाना, क्योंकि अगला ये रीजन और महत्वपूर्ण, क्योंकि आंकड़े यहां से भी दिलचस्प आए हैं। 136 सीटों का क्योंकि सवाल है, 136 सीटों को समेटे पश्चिमी यूपी रीजन में आखिर क्या है आंकड़े? जल्दी से अपने दर्शकों को हम ये दिखा देते हैं कि आखिर यहां पर जनता क्या सोच रही है, हवा फिलहाल इस साप्ताहिक सर्वे में कहां दिखाई दे रही है। तो देखिए आंकड़े सामने, इस वक्त बीजेपी प्लस को 41% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है साप्ताहिक सर्वे के मुताबिक। दूसरे नंबर पर इस रीजन में भी समाजवादी पार्टी प्लस है, और यहां पर 33% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी प्लस को जाता दिख रहा है। बीएसपी की यहां पर स्थिति यह है कि 15% वोट जो है वो बीएसपी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है पश्चिमी यूपी रीजन में। कांग्रेस के हालात देखिए, 7% और साथ ही अन्य 4%। तो रोमाना, पश्चिमी यूपी रीजन में भी 41% के साथ बीजेपी प्लस पहले स्थान पर और समाजवादी पार्टी यहां भी बस पीछा कर रही है। बिल्कुल, और गैप की अगर बात की जाए तो आपने देखा किस तरीके से 8% का गैप बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन में इस हफ्ते नजर आ रहा है। एक हफ्ते में यह तस्वीर क्या बदली है, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदलाव आए, ये जान लीजिए आप। जी, बदलाव आया है। ये देखिए, 15 जनवरी को बीजेपी गठबंधन 40% वोट शेयर के साथ था, लेकिन आज की तारीख में इसमें 1% का इजाफा हो गया है, 41% पर है ये। समाजवादी पार्टी गठबंधन 33% पर था, आज भी 33% पर है। ये अन्य से आ रहा है फायदा, क्योंकि पिछले हफ्ते अन्य 5% थे, इस हफ्ते 4% घट गए हैं, और ये सीधा फायदा बीजेपी गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से चुनाव की शुरुआत हो रही है पंकज झा, 10 फरवरी पहला चरण, और मजबूती के साथ लग रहा है बीजेपी शुरुआत करने जा रही है। ये जो ताजा आंकड़े हैं ना, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है रोमाना, क्योंकि ऑलमोस्ट इस पश्चिमी यूपी में जहां के आंकड़े सी वोटर के ये हैं, वहां दोनों ही गठबंधनों की तरफ से उम्मीदवार के नाम भी आ गए हैं। ये कहा जाता है कि चुनाव तब सामने आता है, खुलकर आता है, जब पार्टियों के उम्मीदवार आ जाते हैं। बीएसपी के भी आ गए, एसपी के भी आ गए, आरएलडी के भी, बीजेपी की। और देखिए, इतना बड़ा प्रयोग किया कि आरएलडी के साथ गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी ने, उसके अलावा इसके बाद भी कुछ सीटों पर दोनों को उम्मीदवार आमने सामने हैं, और फिर भी बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। यानी जिस बात का खतरा था सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, जो मुद्दे बीजेपी उछाल रही है, जनता को लगता है कि वो उनके पास है, उनके दिल के करीब है। उत्तर प्रदेश के अगले रीजन के आंकड़े दिखाने के लिए आपको सीधे लेकर चलेंगे डेटा सेंटर शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए हमने अवध और पूर्वांचल पश्चिमी यूपी का जिक्र कर लिया, लेकिन अब अगला महत्वपूर्ण रीजन है पूर्वांचल रीजन, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा सीटों के लिहाज से रीजन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, 130 सीटें हैं इसमें पूर्वांचल रीजन में। तो पूर्वांचल में आंकड़े क्या कहते हैं पूर्वांचल रीजन के, जल्दी से बता देते हैं। देखिए आंकड़े ये कहते हैं कि यहां पर बीजेपी प्लस को 41% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है पूर्वांचल रीजन में। दूसरे नंबर पर एसपी प्लस दिखाई दे रही है, क्योंकि 35% वोट यहां पर एसपी प्लस को दिखाई दे रहा है। बीएसपी की स्थिति तीसरे नंबर की 12% वोट के साथ, और कांग्रेस के लिए आंकड़े कहते हैं 7% कांग्रेस के खाते में और 5% अन्य के खाते में। तो रोमाना, पूर्वांचल रीजन 130 सीटें, लेकिन 41% के साथ बीजेपी प्लस यहां पहले नंबर पर बनी हुई है। बिल्कुल शीरीन, और ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा है 136 सीटों वाला, और पूर्वांचल जहां से 130 विधानसभा की सीटें आती हैं, और यहां पर 6% का गैप इस हफ्ते है, 35% समाजवादी पार्टी गठबंधन, बीजेपी गठबंधन 41%, और 15 जनवरी पिछले हफ्ते भी बिल्कुल यही तस्वीर थी, मतलब 6% का गैप पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी। लेकिन सबसे छोटा है सीटों के लिहाज से, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत हो जाता है, 19 सीटें हैं। और बुंदेलखंड रीजन की तस्वीर देखिए क्या कहती है साप्ताहिक सर्वे में, बीजेपी प्लस को 43% वोट जाता दिख रहा है इस साप्ताहिक सर्वे में, 32
फीसदी के साथ एसपी प्लस दूसरे स्थान पर है। बीएसपी के लिए 11 फीसदी वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस की स्थिति यह है कि 9 फीसदी वोट दिख रहा है और अन्य 5 फीसदी के साथ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये 19 सीटों का तस्वीर है साप्ताहिक सर्वे में बुंदेलखंड रीजन की हमने बात कर ली। और अब बात कर लेते हैं फाइनल आंकड़ा इस हफ्ते का क्या कहता है साप्ताहिक सर्वे में यूपी का। ये चुनावी सर्वे लगातार हर हफ्ते हम आपके साथ लेकर आते हैं, रोजाना सर्वे हम कर रहे हैं और यहां पर बड़ी तस्वीर क्या कहती है साप्ताहिक सर्वे की, यानी कि पूरी 403 विधानसभा सीटों का यह हाल है। 42 फीसदी बीजेपी प्लस को जाती दिख रही है और 33 फीसदी एसपी प्लस को, बीएसपी के लिए 12 फीसदी, कांग्रेस के लिए 7 फीसदी और अन्य 6 फीसदी। तो यहां पर 42 फीसदी बीजेपी प्लस, यानी बड़ी तस्वीर रोमाना यही है कि सबसे पहले और पहले नंबर पर लगातार बीजेपी ही दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बीजेपी सबसे आगे, 9 फीसदी की बढ़त बीजेपी गठबंधन को हासिल है। ये उत्तर प्रदेश की बिग पॉलिटिकल पिक्चर जो आपने देखी और इसको जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं पिछले हफ्तों के मुकाबले। ये तस्वीर क्या कह रही है? तस्वीर कह रही है कि पिछले हफ्ते के मुकाबले बीजेपी गठबंधन को 1 फीसदी का फायदा, 41 फीसदी से बढ़कर यह आंकड़ा 42 फीसदी पर पहुंच चुका है। और पिछले हफ्ते के मुकाबले समाजवादी पार्टी गठबंधन को इस हफ्ते 1 फीसदी का नुकसान, 34 फीसदी के मुकाबले इस हफ्ते समाजवादी पार्टी गठबंधन 33 फीसदी पर पहुंच चुका है। और हफ्ते दर हफ्ते का यह आंकड़ा आपके सामने है, जहां बीजेपी गठबंधन 25 दिसंबर 41 फीसदी, 31 दिसंबर 41 फीसदी, 15 जनवरी 41 फीसदी और आज की तारीख में 42 फीसदी बीजेपी बढ़त बना रही है। पंकज झा, अब इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी अखिलेश यादव इतने सारे लोगों को लेकर आए दूसरी पार्टियों से, 6-7 पार्टियों से गठबंधन भी कर लिया और फिर भी बीजेपी के साथ गैप जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तब इसमें क्या कहा जाए? अगर यही ट्रेंड रहा तो उनके लिए बड़े खतरे की घंटी है। सारे प्रयोग तो उन्होंने पहले कर ही लिए हैं, कांग्रेस के साथ भी, बीएसपी के साथ भी, अब बचता क्या है? बिल्कुल राजकिशोर जी, चुनावी रेस में बाजी बीजेपी मार रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जब तक सारे प्रत्याशी ना आ जाए, क्योंकि अभी भी अखिलेश यादव ने अपने जो प्रत्याशी हैं वो अपने कलेजे से लगा के रखे हैं, पत्ते खोले नहीं, इस तरीके से छिपा के रखे हुए हैं। जब एन समय पर जब पूरे प्रत्याशी आ जाए और ठीक से डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो जाए और लगे क्या समीकरण बन रहे हैं, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचना उचित होगा। लेकिन ये जो गैप बना हुआ है इस पे कोई सुई टस की मस नहीं हुई और बीजेपी के पक्ष में 1% सही अगर पड़ रहा है तो अखिलेश के लिए चिंताजनक। यूपी का चुनावी सर्वे, 403 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हवा किस तरफ बह रही है। और ये बड़ी तस्वीर एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखा देते हैं, 42 फीसदी वोट बीजेपी प्लस को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साप्ताहिक सर्वे ये कहता है कि दूसरे नंबर पर एसपी प्लस बना हुआ है 33 फीसदी वोटों के साथ और बीएसपी की कंडीशन स्थिति ये है कि तीसरे नंबर पर 12 फीसदी के साथ है और कांग्रेस 7 फीसदी के साथ दिखाई दे रहा है और 6 फीसदी अन्य। तो रोमाना, बड़ी तस्वीर यही कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए है उत्तर प्रदेश। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।